है ना। और मैंने ये कहा था कि इस दो दिन की छुट्टियों में आप लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। कुछ बच्चों ने मेरी बात मानी होगी, कुछ ने नहीं मानी होगी। जिसने बात मानी होगी वो इसका फायदा देखेंगे भविष्य में, जिसने नहीं मानी होगी वो इसका नुकसान भी देखेंगे भविष्य में। ये तो होता ही है, जब आप किसी टीचर की बात को ओबे करते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको नजर आते, ठीक है ना। और जब नहीं करते हैं तो उसके बेनिफिट्स, उसके जो साइड इफेक्ट्स वो भी नजर आते हैं। अच्छा तो अब देखिए आप, आज हमें कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स जो है इसके बारे में आगे पढ़ाई करनी है। मैंने अभी तक आपको जो पढ़ा दिया उसके बारे में एक बार जरा हम फॉर्मूला चार से रिविजिट कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर, है ना। 5 मिनट लगेगा मेरे हिसाब से। सभी बच्चों के पास में फॉर्मूला चार्ट है, फॉर्मूला चार्ट है संस्कृति आपके पास अच्छा चलिए सभी बच्चे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स का फॉर्मूला चार्ट खोलिए, ओपन फॉर्मूला चार्ट। कर लिया आपने फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए सभी बच्चे। फॉर्मूला चार्ट ओपन कर लिया तो देखिए फॉर्मूला चार्ट की जो सबसे पहली लाइन है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इट्स कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और रिसीव मोर चार्ज। मोर भी इसका मतलब लेस सी होगा, लेस भी इसका मतलब मोर, राइट। क्यू इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, एरर उसकी वो है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज नीडेड टू प्लेस द पोटेंशियल क्यू वन। यस, ये एक्चुअल में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। देखिए कैसे हमने आपको पढ़ाया C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर हम V इक्वल टू 1 वोल्ट लिख दें तो C बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। आप इसको समझने की कोशिश करो, C बराबर क्यू अपॉन वी। अगर हम V बराबर 1 वोल्ट करते हैं तो C बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस इज इक्वल That amount of charge. Capacitance is equal to that amount of charge, which creates potential of one. ऐसा charge जो 1 volt potential create करते हुए उस charge की value capacitance के बराबर होती है, है ना। ऐसा charge जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट करते हैं वो होता है, ठीक है। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए आपको C बताया था। स्फेरिकल कैपेसिटर ये हमने आपको डेराइव किए थे सारे, नहीं सॉरी स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं, स्फीयर की बात करेंगे पहले। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात उसके बाद करेंगे, स्फीयर की बात की थी हम। तो जो आपका कंडक्टर स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हमने कहा था C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और C मीडियम में हमने कहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू कैपिटल। ये C मीडियम में, राइट। ये लोग बहुत लेट क्यों हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो ये C वैक्यूम में और C मीडियम। इसके बाद में हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने फॉर्मूला बताया था C इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट a अपॉन, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला था।
सी मीडियम का क्या था एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन ये मीडियम का था अगर कैपेसिटर के अंदर मीडियम रख दिया राइट ये इसी का टायर बेटा अपना माइक म्यूट करो इधर साइड वाइड से आवाजें आती रहती है माइक सभी बच्चे म्यूट रखा करो है ना नहीं तो साइड की आवाजें भी इधर उधर से आ जाती है घर में चर्चा चल रही होती है वो भी आ जाती है तो ध्यान दो आप अब देखिए आपको है ना मैंने इसमें स्लैब्स डाली थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर काफी सारे स्लैब्स डाल दिए तो क्या होने वाला तो काफी सारे स्लैब्स डाली थी तो मैंने आपको बताया था सी आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी माइनस पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री जितना भी हो तीन चार पांच दस जितनी भी हो एप्सिलॉन आर वन प्लस पी टू एप्सिलॉन आर टू प्लस पी थ्री एप्सिलॉन आर ये हमने कहा राइट ये आपका सी आया था जब हमने उसमें क्या डाल दी प्लेट का राइट अब आप ध्यान दो जब हमने ये कैपेसिटर के अंदर ये प्लेट डाल दी तो ऐसा हो अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या है कि अब स्फेरिकल कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर में मैंने आपको दो बातें बताई थी अगर प्लेट बाहर से कनेक्ट हो रही है अर्थिंग तो आएगा सी इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन क्या बी माइनस अगर बाहर वाला स्फीयर कनेक्ट हो रहा है और अंदर वाला स्फीयर अगर कनेक्ट हो रहा है तो भी हमने बताया था आपको है ना वो आया था सी इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बी माइनस ये सब हमने डेराइव भी कराया था है ना वीडियो जो रिकॉर्ड किया था वो भी सभी के साथ में शेयर था तो इसलिए कोई चिंताजनक बात नहीं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और टू पैरेलल वायर्स के कैपेसिटर्स को भी हमने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा फॉर्मूला डायरेक्ट है ना तो ध्यान दीजिए अब हम आगे बात करने वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है और उसके बाद में फिर हम कैपेसिटर के सर्किट्स पर आएंगे सी तो मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं आपका देखिए फॉर्मूला चार्ट में सबसे ऊपर राइट साइड पर आ जाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और कंडक्टर मैं ठीक है कि कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर मान लीजिए ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी सी नेचुरल है कि एक प्लेट पॉजिटिवली होगी और दूसरी प्लेट नेगेटिवली जाएगी यही कैपेसिटर हमें इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर उसका हमें कैलकुलेशन करना है डेराइव करना है ये एक्सप्रेशन आपकी स्कूल वाले भी तो देखिए एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर स्कूल वाले क्या पूछेंगे स्टोर स्कूल वाले पूछेंगे डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर इन साइड ऑफ कैपेसिटर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कैपेसिटर के इन साइड में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ना तो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर इन साइड द कैपेसिटर इन साइड द कैपेसिटर किसी भी तरह की एनर्जी हो ये वर्क की तरह राइट तो ध्यान दीजिए आप क्या अब आप देखिए कि हम इसको क्या है यू इक्वल टू आएगा वर्क एनर्जी कितना वर्क करना कितना वर्क करना देखिए मान लीजिए कि क्यू इज चार्ज एट एनी टाइम Q
क्यू किसी समय चार्ज, किसी मोमेंट पर चार्ज क्यू है। अब हम उसे थोड़ा सा चार्ज छोड़ दें, है ना। तो मान लीजिए किसी टाइम पे मोमेंट पर चार्ज क्यू है और समय पोटेंशियल भी है, पोटेंशियल तो उसके एक जैसे मान लो सॉरी वर्क है ना, इट इज इक्वल टू व्हाट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू वर्क। आप इसको कहिए इट इज वर्क डन टू चार्ज डी कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क। तो देखिए अगर मान लो किसी समय पोटेंशियल वी है, तो पोटेंशियल वी है, अब हमने डी क्यू चार्ज सप्लाई तो वर्क कितना आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा। मैं कहूंगा डी डी यू इज व्हाट, डी यू स्मॉल एनर्जी, स्मॉल एनर्जी यू टू यू टू स्मॉल चार्ज डी। तो मैं कहूंगा इसको वी डी, कि अगर किसी समय पोटेंशियल भी है तो ध्यान दीजिए हियर क्या क्या चीजें क्या क्या है वो समझो आपसे। हियर वी पोटेंशियल विथ कैपेसिटर, पोटेंशियल विथ कैपेसिटर एट एनी टाइम, डी क्यू इज व्हाट, डी क्यू इज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई फर्दर, सप्लाई फर्दर दोबारा से ये चार्ज फोर सप्लाई। तो ध्यान दीजिए कर क्या रहे हैं हम, मान लो एक कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का किसी समय पोटेंशियल भी है, अभी तो पोटेंशियल भी है, अब हम उसको डी क्यू चार्ज सप्लाई कर देना चाहते हैं, तो डी यू क्या आएगा, डी यू इज वर्क डन टू सप्लाई डी क्यू चार्ज, डीयू इज व्हाट वर्क डन टू सप्लाई डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज और सप्लाई क्या किसके लिए वर्क डन, तो वर्क डन कितना आएगा, वी आपके पास पोटेंशियल है डी क्यू, यह आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, अगर पोटेंशियल भी है और आपने डी क्यू चार्ज दिया तो इतना वर्क है, करेक्ट। अच्छा अब इस वी को क्या लिखूंगा मैं, अब इस वी को क्या लिखूं, इस मोमेंट है ना। तो अब अपन ने कहा पोटेंशियल विथ कैपेसिटर एट एनी टाइम, तो वी को हम चार्ज के फॉर्म में क्या लिखते, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है क्यू वाइज, करेक्ट। तो मैं इसको लिखूंगा क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी है ना, व्हाट इज क्यू, क्यू इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, क्यू इज चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन व्हेन इट इज हैविंग पोटेंशियल, आप समझ लीजिए ये डी यू है। अब मैं यू लिखूंगा, यू को क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन डी, तो मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन यू अपॉन सी डी, जीरो से लेकर कैपिटल यू, क्योंकि अल्टीमेट चार्ज कैपिटल यू होगा, शुरू में जीरो था बाद में, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू और लिमिट आ जाएगी जीरो से लेकर कैपिटल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू। सभी बच्चे एक बात कह मुझे, ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है बेटा, युवराज बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक मतलब बोर्ड यहां तक नजर आता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आपके एनर्जी स्टोर्ड हो गई, एक बार इस सारे जो है ना सिस्टम को समझ लो, क्योंकि ये सवाल आपके स्कूल वाले पूछे, एक मिनट। हाँ बोल बेटा कुछ कह रहे हो, कौन बोल रहे हैं, हेलो है बेटा,
हाँ हाँ नहीं अभी मिटा नहीं बाद में मिटा। ध्यान दीजिए क्या क्या हुआ और क्या क्या हमने किया। सबसे पहले हमने यू जो है उसको डिफाइन किया। तो यू इज व्हाट, यू इज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी इन कैपेसिटर, टोटल एनर्जी होती क्या है वर्क, वर्क इज व्हाट, वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। डीयू क्या है, डीयू है स्मॉल एनर्जी ड्यू टू स्मॉल चार्ज, तो इसको हम कहेंगे वी डी। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहां वी क्या चीज है, वी है पोटेंशियल विद कैपेसिटर एट एनी टाइम। डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज सप्लाइड फर्दर, मतलब आगे स्मॉल चार्ज सप्लाई। डी यू इज व्हाट, वर्क डन टू सप्लाई डी क्यू चार्ज, तो हम कहेंगे इसको वी डी। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने ये वी डी क्यू लिखा फिर आपने यहां क्यू बाई सी, ये क्या बोला है, तो मैं बताऊं ये क्यू क्या चीज, क्यू है चार्ज ऑन कैपेसिटर व्हेन इट इज हैविंग पोटेंशियल। ठीक है, सभी बच्चे एक बात बताएं, एसिता एसिता बेटा आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या? अच्छा कृष्णा कपिल मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है? कृष्णा कपिल अच्छा चलो वरुण वरुण सैनी बेटा मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है? संस्कृति को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है क्या? हाँ, क्योंकि हमें ये क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, एक्चुअली हमें टीचर्स को छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बच्चा किसी कारण से कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा। तो वो देखिए क्यू क्या है, चार्ज और कैपेसिटर वेयर इट इज हैविंग पोटेंशियल, इसका मतलब एक मोमेंट होगा जब उसमें पोटेंशियल भी हो, तो हमने इसको ऐसा कर दिया फिर ऐसा कर दिया। अब ये यहां तक तो यू इक्वल टू क्या आ गया, यू इक्वल टू आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। अब देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन क्यू। ठीक है, बी अब यहां पे फाइनल पोटेंशियल है तो इस यू को लिखेंगे हम हाफ सी बी स्क्वायर, दिस इज फाइनल पोटेंशियल। तो बी इज व्हाट, बी इज टोटल पोटेंशियल, क्यू इज व्हाट टोटल चार्ज, टोटल राइट। अब देखो यू के हमारे पास में रिजल्टेंट चीजें बता देते हैं हम क्या क्या, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ सी वी बी इट इज इक्वल टू हाफ क्यू। ये मैंने बक्सा बना, ये बॉक्स, इस बॉक्स में पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर की सारी स्टोरी, सारी स्टोरी इसके राइट। चलिए मिटा दे इसको, अब मैं इधर से मिटाऊ, क्योंकि उनको पूरा लंबा चौड़ा चाहिए
है ना, आप मनाते हैं, मतलब छोटा वाला नहीं चाहते हो, बड़ा वाला चाहते हैं। तो चलिए देखिए मैं आपको दूसरा मेथड होगा, इफ बीज पोटेंशियल एट एनी टाइम, मैं आपको इसी को डिराइव कर रहा हूं दूसरे तरीके से, है ना, बीज पोटेंशियल एट एनी टाइम, देन क्यू इज चार्ज एट दैट टाइम, कितना आएगा, यह आएगा सी, यह आएगा सी, राइट। नाउ नाउ एनर्जी नीडेड, नाउ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज पोटेंशियल थ्रू डी, थ्रू डी, अब हमें डी में पोटेंशियल को इंक्रीज करना है, अभी तक तो ये क्यू भी है, सी भी है, अब हमें इसको इंक्रीज करना है डी, तो एनर्जी कितनी आएगी, डी, डी यू इज व्हाट, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू, है ना, तो ये आएगा सी इंटू, ये डी यू आ गया, अब आप इसको लिखो यू, तो ये आ जाएगा सी बी डी बी, और ये जीरो से बी, तो आप इसको कर दीजिए हाफ सी बी स्क्वायर, एक स्टेप के अंदर आंसर, है ना, हो सकता है कोई स्कूल वाले इस तरह से भी करें, आपने स्कूल के लिए चलो स्कूल पर्पज से किया ये चीज, क्योंकि स्कूल वाले ये बहुत पूछते हैं ना, कुछ चीजें स्कूल वाले पूछते हैं बाकी ज्यादातर नहीं, तो ये आ गए तो हाफ स्कूल। अब हम बात करेंगे आपका जो है ना कि जो है एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, नेक्स्ट वन, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, देखिए एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल यू से लिखता हूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ये एनर्जी डेंसिटी, तो ध्यान दीजिए अब ये एनर्जी डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी है हाफ सी बी, सॉरी एनर्जी डेंसिटी हाफ सी बी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, अब आप जरा कैपेसिटर का वॉल्यूम बताइए, कैपेसिटर का वॉल्यूम बताइए, कैपेसिटर का वॉल्यूम कौन बताएगा, कैपेसिटर का वॉल्यूम बता दो बेटा, शिवम सैनी कैपेसिटर का वॉल्यूम बता दो, शिवम सैनी कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ, शिवम सैनी को मेरी आवाज आ रही है, इसी का टायर कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ, कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ बेटा, अवनी 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 कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ बेटा, अवनी को मेरी आवाज आ रही है, कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ, कृष्णा कपिल कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ, अरे यार कैपेसिटर का वॉल्यूम कैसे नहीं पता भैया, कैपेसिटर का वॉल्यूम तो सबको पता है, विभूति बेटा कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ,
एरिया इनटू डिस्टेंस। भाई कैपेसिटर होता क्या, कैपेसिटर की सकल सूरत देखो, दो प्लेट होती है, ए एक प्लेट का एरिया होता है, डी उनके बीच की डिस्टेंस होती है, तो वॉल्यूम क्या हो, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू डिस्टेंस। इसमें भी कोई सोचने की बात है क्या बेटा? कैपेसिटर का डायग्राम आपको बनवाया है, कैपेसिटर का आप जो है वो देखिए क्या जो है ना कि कैपेसिटर में एरिया होता है प्लेट का और डिस्टेंस होती है, तो वॉल्यूम तो ए इनटू डी होगा ना। इसमें इतना दिमाग क्या लगा? मेरे हिसाब से आपको कई बार तो फालतू के दिमाग लगा है, एरिया इनटू डिस्टेंस खत्म बात। देखो विभूति ने एकदम सही बता दिया है, विभूति ने एकदम सही क्यों बता दिया, विभूति ने एकदम सही क्यों बता दिया है? विभूति ने एकदम सही इसलिए बता दिया कि उसने बस ध्यान दे लिया कि भाई ये तो है एरिया। तो देखो एप्सिलॉन नॉट सी को लिखो, सी को लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, ये सी, और फिर ये है बी स्क्वायर अपॉन ए इनटू बी। चेक करो ए से ए गया तो ये आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो मैं कहूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी का होल स्क्वायर। तो ये स्मॉल यू डेंसिटी है साथ, यू अपॉन वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी को क्या कहते हैं ई, तो ये ई स्क्वायर, ये एनर्जी डेंसिटी। और मैं आपको बताऊं कि ये एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये हम हमेशा काम में लेंगे यही फॉर्मूला। आओ ना ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कहां काम आएगा, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही फॉर्मूला काम आएगा है ना। और मैं तो आपको ये भी बता देता हूं ये एनर्जी डेंसिटी जो है ना यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी होता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ाया, आप चेक करिए ठीक है। अब हम बात करेंगे चार्जिंग के दौरान कितनी हीट वगैरह डेवलप, जैसे हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या क्या घटना होने वाली है वो मैं समझूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर, तो मैं कहूंगा हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, ड्यूरिंग चार्ज आप समझने की कोशिश करो। मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर, अभी इस पर कोई चार्ज, अभी इस समय इस पर कोई चार्ज नहीं, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसकी चार्जिंग स्टार्ट करें, तो मैंने यहां पर एक सेल लगा दिया और इधर से इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे अब इसकी चार्जिंग। अब आप देखो शुरू में चार्ज जीरो है, कोई चार्ज, कोई चार्ज। अब हम इसकी चार्जिंग करेंगे धीरे धीरे करके, इसमें चार्ज भी जाएगा धीरे धीरे करके इसमें चार्ज, तो फाइनल चार्ज क्यों है, क्यों इज टोटल फाइनल, टोटल चार्ज, फाइनल टोटल चार्ज। आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन बताया, ई इज ईएमएफ है ना, ई इज व्हाट, ईएमएफ, ईएमएफ इसको आप कैपिटल वी भी बोल दीजिए आप, ये वोल्टेज ही ईएमएफ है, इट इज व्हाट वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखा, आप ये ध्यान रखना मैं चीज एक एक लिखवा देता हूं, छोड़ता कुछ भी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन आ गई आपके पास। अब आप बताओ नेट वर्क डन बाय बैंड, नेट वर्क डन बाय बैंड, बैटरी का वर्क,
तो भाई ऐसा है ईएमएफ जो है इट इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, टोटल चार्ज कितने हैं क्यू, इसका मतलब नेट वर्क डन कितना आएगा क्यू इन टू, ये नेट वर्क डन है, इट इज वर्क बाय बैक, इतनी एनर्जी सप्लाई की बैक, एनर्जी सप्लाई बाय बैक, बैटरी ने बेचारे ने इतना काम किया इतना। अब देखिए ये तो बैटरी का वर्क हो गया, इस क्यूबी को मैं लिखूं थोड़ा सा, क्यूबी को मैं लिख देता हूं सी वी इंटू ये सी वी स्क्वायर, ये सी वी स्क्वायर। अच्छा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर थोड़ा समझने की कोशिश करना, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना जी, हाफ सी वी स्क्वायर अभी अभी बताया, अभी अभी डेराइव किया। अब सुनो एक बात, अगर आपके कभी घर में ऐसा हो, कभी घर में ऐसा कि आपके इनकम आई 1,00,000 और आपके पास बचा 50,000, इसका मतलब 50,000 क्या हुआ, खर्चा हो उड़ गया, कुछ हो गया, तभी तो 50,000 बचा आया, 1,00,000 बचा 50,000। तो ये बात यहां पर क्या हुआ कि आपके आया तो सी वी स्क्वायर लेकिन बचा हाफ सी वी स्क्वायर, इसका मतलब हीट लॉस कितना हुआ, तो ड्यूरिंग चार्ज हीट लॉस हाफ सी वी स्क्वायर ही हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया तो आधी एनर्जी बेचारी उड़ गई हीट के अंदर, हीट के अंदर। तो आप देखिए हीट लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग, तो ये हीट लॉस सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर आपका करेक्ट। ये तो चलिए हमने क्या किया यहां पर कि कैपेसिटर को शुरू से चार्ज किया जीरो चार्ज, जीरो चार्ज। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली एडवांस वाले, एडवांस वाले जो क्वेश्चन देते हैं वो क्या कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि कैपेसिटर को कुछ चार्ज तो पहले से देके रखते हैं और फिर कहते हैं कि अब इतना और दो और अब लॉस हो, हीट लॉस हो, उस वाले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, यहां तो आपने बड़े आराम से रखते। अब देखिए क्या करना है आपको, अब उस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बैंकिंग सिस्टम काम में लेना। बैंक का प्रोसेस क्या है, बैंक का प्रोसेस है एडेड अमाउंट इन अकाउंट माइनस विड्रॉल इट विल बी चेंज, मतलब बैंक वाला सिस्टम वही सिस्टम हम काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास में कोई कैपेसिटर जो है पहले से चार्ज है, क्यू चार्जेस देगा, क्यू चार्ज है ना, अब इसको फर्दर चार्ज किया जा रहा है, अब आपको हीट लॉस निकालना है, हीट लॉस निकालना। तो मैं बताऊं हीट लॉस का क्या तरीका है, हीट लॉस का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ दिमाग दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना है वर्क बाय बैटरी, वर्क बाय बैटरी, क्योंकि सोर्स जो है बैटरी, सोर्स बैटरी ऐसा है ना, इनकम सोर्स बैटरी, एनर्जी सोर्स बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन एनर्जी। अब अगर मान लो आपकी जो वर्क डन बाय बैटरी जो है वो क्या होगी, वो होगी डेल्टा क्यू, डेल्टा इंटू ईएमएफ, ये जो ईएमएफ ये आएगा ईएमएफ क्या वी जो भी है, डेल्टा क्यू इंटू वी इज ईएमएफ, यहां थोड़ा सा आप क्यू माइनस जो भी डेल्टा क्यू था है ना, यू फाइनल माइनस यू ये आपका, तो आपकी हीट निकल जाएगी आराम से, एनर्जी डेंसिटी हो गई। अब हम एक छोटी सी चीज और पढ़ा देते हैं, वो भी स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, फोर्सिंग बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो बस ये पढ़ा देते हैं।
होसेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, मतलब ये बोर्ड में आता है का ना? तो ध्यान दीजिए, होसेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, ध्यान दो आप। अब ये आपका एक प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पर मान लो प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज, ये प्लस सिग्मा है और ये माइनस, ये आप देखो। आपको मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर जो था 11th क्लास में पढ़ाया, 11th क्लास में क्या पढ़ाया था, दो चीजों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, एक के द्वारा दूसरे पर लगने वाला या दूसरे के द्वारा पहले पर, यो जैसे अगर मैं एक पीस है मेरे पास में, ये कुछ है हाथ में मेरे, अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं, ध्यान दो अगर मैं इसको नीचे गिरा दूं तो धरती माता इसको खींचेगी, बेटा जितना धरती माता इसको खींचेगी ना उतना ये भी धरती माता को खींचेगा, दोनों बराबर खींचेंगे, कोई कम ज्यादा नहीं खींचने वाला। हाँ ये बड़ी जोरदार, ये मेरे हाथ में छोटा सा कुछ है ना, मैं इसको गिराऊं तो गिरोह को धरती माता खींचेगी, निश्चित रूप से ये भी धरती माता को उतनी फोर्स से खींच रहा है, अलग अलग हो ही नहीं सकता, बराबर ही। अब आप यहां देखो, मुझे इन दोनों प्लेट्स के बीच फोर्स है, मैं पता क्या करूंगा, किसी भी एक प्लेट पर किसी दूसरे प्लेट के कारण फोर्स होगा, तो देखो मैं ऐसा कर रहा हूं, फोर्स दिखा रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेगेटिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, मैंने देखो क्या किया, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेगेटिव, इसका मतलब किसी एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसी एक प्लेट का चार्ज और दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्स आ जाएगा, तो देखो अब इसका चार्ज दे रहा हूं, इसका चार्ज है सिग्मा इन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेगेटिव प्लेट कितनी है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन टू बिल्कुल, यही एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक प्लेट अमान, ये एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब मैं सिग्मा स्क्वायर को लिखूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है चलिए, अब जब आपके पास में ये आ गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये आपका अभी तक का काम, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं कॉम्बिनेशन ऑफ दी कैपेसिटर्स का, ध्यान दीजिए, कंबाइनिंग टू कैपेसिटर्स, कंबाइनिंग केसेस में जब कंबाइनिंग की बात की जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी, देखिए कैसे की जाएगी, मैं बता रहा हूं, मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है, इसका जो है ना चार्ज है क्यू वन, इसकी कैपेसिटी है सी, इसका पोटेंशियल है वी, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर, करेक्ट,
मान लीजिए आपके पास दूसरा कैपेसिटर, उसका चार्ज है क्यू, कैपेसिटी है सी टू, पोटेंशियल है। मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है, मान लीजिए नेगेटिव, अब इन दोनों को आप जोइन करें, तो देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से, क्या किया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव। अब मैं पता ही क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि Q1 is equal to C1, Q2 equal to C2, करेक्ट। ये क्या था, ये बिफोर जॉइनिंग, बिफोर जॉइनिंग, बिफोर, आफ्टर जॉइनिंग क्या होगा, आफ्टर जॉइनिंग, आफ्टर कंबाइन। जब हम इन दोनों को जॉइन कर देंगे तो जॉइन करने के बाद में Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश इज Q1 प्लस, करेक्ट। अब आप देखो Q1 डैश एंड Q2 डैश, तो Q1 डैश कितना आएगा, Q1 डैश कितना आएगा, Q1 डैश आएगा C1 V final plus C2 V final, यानी इक्वल C1 V1 plus C2, इसे कहेंगे V final equal to what, C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ये आपका final potential। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ एक बात याद दिला देना चाहता हूँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सवाल रखा, मैं आपकी मेमोरी रिकॉल कर रहा हूं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सवाल किया, उसमें दो स्फीयर्स को अलग अलग चार्ज किया था कि बाद में छोड़ा, ऐसा किया था, तो मैं एक बार उस मोमेंट उसको सारे को सिस्टम को वापस रिकॉल कर, एक स्फीयर था इसकी रेडियस आर वन थी, इसकी रेडियस क्या थी, इस पर चार्ज क्यू वन दिया था, इस पर चार्ज, इसका पोटेंशियल वी वन था, इसका पोटेंशियल, और मैंने इनको फिर एक तार से जोड़ दिया, जोड़ दिया था, आपने भी फाइनल निकाला था, निकाला था, चलो जो भी फाइनल निकाला था वो मेरे को कौन बताएगा, भी फाइनल निकाला था, जो भी फाइनल मैंने निकाला है ना, वो मेरे को कौन बताएगा, बताओ, मनस्वी बता सकती है क्या, मनस्वी, मनस्वी को मेरी आवाज सुनाई बिल्कुल नहीं दे रही, कृष्णा कपिल बोलने की इच्छा रख रहा है शायद, कृष्णा कपिल बोलोगे बेटा, बोलो बोलो वी फाइनल बोलो, जो मैं एक मिनट वापस बोलो, के डैश प्लस क्यू टू डैश था, अच्छा क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश को तो मैं क्यू वन प्लस क्यू टू भी लिख सकता हूं भाई, क्यू वन डैश प्लस क्यू टू डैश को तो मैं क्यू वन प्लस क्यू टू भी लिख सकता हूं ना, हाँ अब आप नीचे का बताओ, ऐसा ही ये आपने किया, ठीक है, अब ये आपका आ जाया, अच्छा एक बात, स्फीयर की कैपेसिटी क्या होगी, सी कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला मेरे को कौन बताएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, प्रणव बताएगा, हाँ बताओ, भैया
कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर का कैपेसिटेंस सही। देखो एक बात सुन, स्फीयर और स्फेरिकल कैपेसिटर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक होता है स्फीयर गोला गोला, ठीक है, एक होता है गोला गोला, यह है गोला, और एक होता है गोले के अंदर गोला, वो होता है कैपेसिटर। भैया दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। प्रणव ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऋतिक चौधरी बताएगा क्या? ऋतिक चौधरी बताएगा क्या? चलो खुशी बग्गा बता दूं, खुशी खुशी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ बोलो। पता नहीं भैया बी क्या है ए क्या है यार, बी और ए क्या? किसने बोला? इसीता ने बोल दिया, इसी का तायल ने बोला। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल सही। अरे भैया को आपने बताया ना क्या प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आता मुझे। अब देखो एक स्फीयर का क्या हो जाएगा, सी वन छोटे वाले का, इसका एक का और दूसरे का, तो मैं बताऊ स्फीयर का क्या क्या होगा। सी वन को आप लिख दीजिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और सी टू को लिख दीजिए फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बात करना। अब जरा एक बार इस फॉर्मूले को वहां पे अप्लाई करो, इसी वाले फॉर्मूले को हम दोनों स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन वाले पे अप्लाई करते हैं, ईमानदारी से अप्लाई करेंगे। v फाइनल इक्वल टू c1v1 + c2v2 / c1 + c2। c1 की वैल्यू ईमानदारी से लिखो 4 / epsilon not r1 into v1 + 4 / epsilon not r2 into v2। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, है? अब तो इच्छा भी नहीं हो रही ज्यादा, ठीक है? हाँ, ये वाला मान लो। अब आपका जो ये वाला है ना, ये इसमें देखो ये एक बच जाएगा यहाँ पर, ये कैंसिल हो रहा है वैसे, है ना? आप जब इसको करेंगे आगे तो देखो ये क्या है, ये क्यू वन प्लस क्यू एक को जिंदा रखो और बाकी आप वहां पे काम ले लो। आपका वी वन का भागफल लिखो, वी वन लिखोगे तो क्या आएगा, लिखोगे तो के क्यू वन अपन आर वन, के क्यू टू अपन आर टू आएगा, है ना? अगर आप तो आपके यहां पर ये आएगा के तो के ही है आपका फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा क्यू वन प्लस टू अपन आर वन प्लस आर। कब आएगा ये? जब आप वी वन की वैल्यू लिखो। वी वन क्या है? वी वन है के क्यू वन अपन आर वन। वी टू क्या है? वी टू है के क्यू टू अपन आर। आप वैल्यू लिखिए और आपके पास आंसर है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों चीजें सेम है। हाँ जी बिल्कुल सेम, इनमें कोई अंतर नहीं, इनमें कोई अंतर नहीं। आप चाहे ना तो वहां से डायरेक्ट ले सकते हैं। वी फाइनल वाला है ना, मैं वहां से ले रहा हूं उस वाले बी का। आप ध्यान दो उस वाले भी फाइनल को डायरेक्ट लिख दिया आपने, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है क्यू वन प्लस टू, क्यू वन प्लस टू को आप लिख दीजिए सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू, और देखो नीचे आर वन प्लस आर टू है आपका, आपका ये डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला जो है ना कॉम्बिनेशन, वो जो कैपेसिटर्स के लिए अप्लाई होता है वही स्फीयर्स के लिए भी अप्लाई होगा, वही कंडक्टर्स के लिए भी अप्लाई होगा। आप इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जनरलाइज कर सकते हैं आपको, ठीक है? ये आपका भी फायदा। अच्छा अब मैं जरा एनर्जी लॉस निकालूंगा, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन।
ध्यान दो, ये लॉस ऑफ एनर्जी ये भी इस प्रोबाइल बहुत पूछते हैं, दोनों ही केस पूछते हैं। देखिए क्या है टॉपिक, आइए टॉपिक आइए, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन या एक बार लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी और कंबाइनिंग कंबाइनिंग चार्ज कैपेसिटर्स और चार्ज कैपेसिटर्स और चार्ज कंडक्टर्स दोनों का एक ही आंसर है। लॉस ऑफ एनर्जी और कंबाइनिंग चार्ज कैपेसिटर्स और चार्ज कंडक्टर्स। देखिए अगर मान लो आपके पास एक कैपेसिटर यहां है एक कैपेसिटर यहां है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, Q1 Q2 है ना, और दोनों को आपने कंबाइन कर दिया है ना, सपोज इसकी कैपेसिटी C1 है इसकी कैपेसिटी C2 है, सपोज इसका इनिशियल पोटेंशियल V1 है इसका इनिशियल पोटेंशियल V2 है। इसी तरीके से अगर आपके पास मान लो दो गोले हैं, दो गोले एक का चार्ज Q1 है Q2 है, C1 है C2 है, V1 है V2 है ना, अब इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों में से आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, टेक्निक एक ही, टेक्निक एक ही, आपको एनर्जी लॉस निकाल। तो देखो मैं निकालूंगा टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ये टोटल इनिशियल, करेक्ट। अब देखो यू फाइनल, टोटल फाइनल एनर्जी हाफ सी वन वी फाइनल स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी फाइनल, ये आपकी फाइनल एनर्जी है, राइट। अब आप बताइए डेल्टा यू, डेल्टा यू है एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। अब आप वो एनर्जी लॉस की जब बात करते हैं ना, तो लॉस सिर्फ कब होता है जब आप इनिशियल में से फाइनल घटाते हैं, लॉस में हमेशा इनिशियल में से फाइनल घटता है साहब, लॉस में हमेशा इनिशियल में से फाइनल घटता है ना। सर आवाज आ रही है, ऐसा नहीं क्या आवाज नहीं आ रही, हाँ। तो देखिए एनर्जी लॉस यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, अब आप यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को ईमानदारी से पूरा लिखें, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ सी वन, देखिए इसको मैं कॉमन ले रहा हूं सी वन प्लस सी टू एंड वी फाइनल स्क्वायर, वी फाइनल स्क्वायर की वैल्यू बताइए, वी फाइनल स्क्वायर सी वन वी वन सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू का होल स्क्वायर, ये अभी भी कराया आज, तो आपका डेल्टा यू आ जाएगा वन बाई टू, सारा कॉमन ले लो पूरा का पूरा का पूरा कॉमन, सी वन वी वन स्क्वायर प्लस सी टू वी टू स्क्वायर माइनस सी वन प्लस सी टू, ये एक सी वन प्लस सी टू चला जाएगा और एक नीचे वाला बचा रहेगा, उतना चेक करना सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू का होल स्क्वायर अपॉन सी वन प्लस सी टू, चेक करिए कैलकुलेशन, इट इज टोटल मैटर ऑफ कैलकुलेशन, इट इज मैटर ऑफ कैलकुलेशन। अब देखो आप नीचे आप एलसीएम लीजिए, सब लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, सी वन प्लस सी टू एलसीएम लो, सी वन प्लस सी टू एलसीएम लो, पूरी कैलकुलेशन करो कंप्लीट, कंप्लीट कैलकुलेशन करिए यहां पे, इसको मल्टीप्लाई करो पूरे को, कंप्लीट एक्सपेंशन करिए, पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा एक्सपेंशन, डू कंप्लीट कैलकुलेशन। हाँ जी प्लीज
कैलकुलेशन करिए पूरा। मुझे लगता है ये आएगा आपको चेक करना, मैं लिख रहा हूं। ये डेल्टा यू है, इट इज लॉस, लॉस ऑफ एक्ट, नहीं मेरी बात मत मान लेना ऐसे ही, मेरा भरोसा नहीं है तुझे, आप लोग मेरे है क्या हुआ ये एनर्जी लॉस है। कैपेसिटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, इट इज पॉजिटिव लॉस, इट इज पॉजिटिव लॉस, मींस इन ऑल सच कॉम्बिनेशंस, इन ऑल सच कॉम्बिनेशंस, in all such combinations, energy loss will certainly take place. Energy loss will certainly take place. पक्का पक्का energy loss होगा जब भी आप combination करेंगे ना साहब, energy loss जरूर होगा। Energy loss will certainly take place. ये आपके board में सवाल आता है कि prove करिए कि there will be certain energy. आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव हो रहा है यहां, देखिए कैसे C1 C2 सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, V1 माइनस V2, अब देखिए V1 माइनस V2 क्या कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन अब उस पर स्क्वायर लग गया, स्क्वायर लग गया इसका मतलब ये है कि साहब कुछ भी हो वो तो क्या होने वाला है, वो तो इस पॉजिटिव होने वाला है स्क्वायर, है ना। हाँ तो स्क्वायर लग गया तो पॉजिटिव ही होने वाला है, राइट। चलिए तो ये इसका मतलब 100% एनर्जी लॉस होगा ही। चलिए डालिए, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करूंगा आज, और बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके फिर आपको जो है ना कुछ क्वेश्चन दे देंगे, वो क्वेश्चन कर देंगे। देखो बेटा तो ध्यान दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि Q1 जैसे मान लो आपके काफी सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े, और यहां आपका एक बैटरी है जिसका EMF V के बराबर है। अब आप थोड़ा समझिए कि कैसा होगा ये, तो मैं कह रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में मैं कहूंगा कि Q1 बराबर Q2 बराबर बराबर। आप इस बात को सब कैपेसिटर्स के चार्ज बराबर है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, आपको ध्यान है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था, करंट सेम होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा, राइट। और जब करंट सेम होता था तो यहां पर चार्ज सेम, करंट इंस्टेड ऑफ करंट हियर विल बी चार्ज, राइट। अब देखो V यानी कि बैटरी है, दिस बैटरी EMF विल डिवाइड इनटू वोल्टेज V1 V2 V, तो मैं लिखूंगा V को V1 प्लस V2 प्लस, ये लिख दिया। अब ध्यान दो, आप V को मैं यहां लिख रहा हूं V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 को क्या लिखूंगा, Q upon C1 प्लस Q upon C, चेक करो, चेक करिए
लेंगे वी अपॉन वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी टू, ये आ जाएगा वन अपॉन सी इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी टू, ये आपका नेट कैपेसिटेंस। इसका मतलब जो सीरीज रेजिस्टेंस होगा उसका उल्टा हो रहा है। देखिए रेजिस्टेंस वाली बात मैं यहां लिखू सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस में क्या होता था हमका, सीरीज रेजिस्टेंस में फॉर्मूला होता आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर वन, ये पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या फॉर्मूला होता था, पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या फॉर्मूला होता था, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर वन। यहां क्या हुआ है सीरीज कैपेसिटेंस का ये फल, कि कैपेसिटर सीरीज में जुड़े गए तो ऐसे है ना, यानी उल्टा हो गया। चलिए अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, नोटेड में आप लोग नोट कर लेते कि नहीं कर लेते युवराज, हाँ बेटा मैं ऐसे पूछ रहा था आप लोग नोट कर लेते हो या नहीं कर लेते, अच्छा मतलब मेरी स्पीड तेज होती है क्या, अच्छा चलिए तो हम कोशिश करेंगे स्पीड को कम करने है? संस्कृति बेटा मेरी स्पीड तेज होती है क्या, अच्छा चलिए ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा, वैसे तो मैं क्या करता हूं कि बोर्ड को जो है ना टुकड़ों में मार देता हूं, लेकिन चलो फिर भी कोशिश करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, फिर जो है ना कल से हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे।
ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें और बताता हूं, एक ब्रिज सर्किट बता दू, ये बता दिया हमने, ब्रिज सर्किट का बिल्कुल कोई कंसेप्ट नहीं है, वो का कोई कंसेप्ट है जो ब्रिटिश ब्रिज का हो, जैसे हमारे ब्रिटिश ब्रिज होता था ना, यहाँ पे ब्रिज सर्किट वो का वही होगा, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये वाली चीज जो है केवल कॉम्पिटिशन में पूछता है, स्कूल एग्जाम में नहीं पूछा है ना, आपके बोर्ड के सिलेबस में ये है। तो ये केमिस्टर C1 C2 C3 C4 यहाँ पर C5 लगाओ, C5 राइट। अगर ये बैलेंस है तो देखो बैलेंस कंडीशन ऑफ बैलेंस इसको ब्रिज सर्किट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज सर्किट। कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग वही है, बिल्कुल कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग एक्जेक्टली वही है, क्या C1 अपॉन C2 इक्वल टू C3 अपॉन C4, ये कंडीशन ऑफ बैलेंस। और जब ये बैलेंस हो तो C5 कैन बी रिमूव, C5 कैन बी रिमूव कब, जब बैलेंसिंग, अदरवाइज नहीं, जब तक बैलेंसिंग क्लियर ना हो जाए तब तक C5 मत हटा देना कोई, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी एग्जाम, ध्यान रख। कई बार बच्चा क्या करता है कि देखते ही C5 हटा देते, बोले ये तो प्लस ब्रिज बैलेंस है, फिर वहां पे नेगेटिव मार्किंग हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आप चेक करना पहले, अगर आपको कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग सेटिस्फाइड हो रही है तो हटाइए, फिर आप ऐसे करो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आराम से बता दिया। अब देखिए किरचॉफ्स लॉ के जो कंसेप्ट है वो सारे के सारे यहाँ अप्लाई होते हैं, किरचॉफ्स लॉ पूरा अप्लाई होता है, किरचॉफ्स लॉ के दो कंसेप्ट है ना, तो देखिए किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स लॉ के जो दो कंसेप्ट थे वो क्या क्या थे, एक तो आपका कंजर्वेशन ऑफ करंट का, यहां पर वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो क्या होगा, इनकमिंग चार्ज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, जितना आया उतना जाएगा, समझे, पहला रूल, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना करंट आया उतना इनकमिंग का। और दूसरा जो है पोटेंशियल कंजर्वेशन का है ना, इन अ क्लोज्ड और लूप नेटवर्क, नेट ईएमएफ इक्वल टू नेट वोल्टेज ड्रॉप, यह आपका होगा, जितना नेट ईएमएफ है उतना वोल्टेज ड्रॉप होता था, और लाइन में वापस मिला के एग्जैक्टली वही आ जाता, हम करते थे ना लाइन में ए से चल करके घूम फिर करके वापस आ जाते थे ए के बराबर का, तो वही सिस्टम यहां भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा का वैसा करेंगे, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, राइट। अब आप लोग एक काम करिए कि जो अपन ने अभी तक पढ़ाया उसको एक बार पूरा रिवाइज करें, और फिर देखो ये डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको करना है और अपने आप करना है ना, मैं कल कराऊंगा, लेकिन आप लोग अगर पहले करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप भी कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक आप कर लीजिए, 6 भी आप कर सकते हैं। अब देखो 7 में ये किरचॉफ्स लॉ और ब्रिटिश ब्रिज ये कोई खास बात है ना, आप 7 भी कर सकते हैं, 8, 9, 10, 11 11 आप कर सकते हैं, हाँ 11 आप, और 11 के बाद में
आप चाहें तो 12 भी कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसको करने के अंदर, इसको करने में थोड़ा सा सभी बच्चे सावधानी रखेंगे करने में। पता है क्या सावधानी रखेंगे? आपको सावधानी ये रखनी है कि जो वहां सीरीज के कंसेप्ट वो यहां पैरेलल के बन जाएंगे, जो वहां पैरेलल के थे वो वहां सीरीज के बन जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो ये बात फिल्म ऑफ कैपेसिटर्स मैंने बताया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं कराऊ, क्वेश्चन नंबर 13 आपको मैं कराऊ, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग मत करना, वो मैं कराऊ, राइट। लेकिन आप 12 तक आप कर सकते, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप कर सकते, 14 में मेरी जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए 14 में मेरी जरूरत नहीं है, हाँ भाई, बाकी सब चीजें जो है ना वो हम करेंगे फिर बाकी बात, राइट। तो कल आप 13 को छोड़कर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक कर लेंगे। आप प्रयत्न करके नहीं बनेंगे क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस नहीं की है ना, प्रैक्टिस करने के बाद ही तो बनता है, अभी हमने जरा से भी प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। आप लोग कोशिश करिए, राइट। तो नमस्ते आज की।